जेठानी ने दबाकर देवरानी के बेटे का गला दबाकर मार डाला, फिर अवसानी मैया ने क्या किया, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए आते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और हाँ, आपको कथा खड़ी भाषा में सुनना है या अवधी में, ठेठ में सुनना है, प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं गाँव की वो तो ठेठ भाषा समझती हैं, जो बाहर के भाई बहन हैं उनको नहीं समझ में आती है। अगर आप खड़ी भाषा में सुनना चाहते हैं हिंदी में खुद तो बताइएगा, नहीं तो अवधी भाषा अच्छी ही लगती है। आइए आप लोग को बहुत ही प्यारी अवसान माता की कथा सुनाती हूँ। और कथा को बीच में अधूरा छोड़कर जाना बहुत ही महापाप लगता है, या तो आप वीडियो को देखें, ना देखें तो पूरा जरूर देखें। तो एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय। एक नगर रहा, वहाँ जमन बाटे है एक बूढ़ा बूढ़ी रहत रहे हैं, यानी पति पत्नी रहत रहे हैं। देखा पहले बिना माई बाप के तो सास ससुर के बिना तो बेटा पतो होते ना है। उनके जवन बाटे हैं दुई बेटवा रहन हैं। तो जेठ बेटवा बहुत ठीक ठाक रहा, कमासुक रहा, मजे के ऊपर शादी हो गई तो ठीक रही पतो, बहुत रद्दी ना रही, अपने बूढ़ा सेवा कट रही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, देवर खेती बाड़ी कर रहा, घर परिवार ऐसे तैसे चलत रहा है। तो का काम है, जब छोटा देवर भी तैयार भैन, उनकर ब्याह हो गया। उनकर ब्याह हो गया तो उन्हों मेहरारू आएगी, जब मेहरारू आएगी तो भाई अपन घरे में के काम करें, जेठनियों बहरे बोले बतलाएँ, हर वर कुछ करें ना ही, बड़ी बड़वारगी बहुत दिखावें। तो ऐसे तैसे टाइम बीतत रहा। तो कुछ दिन के बाद जेठनियों का लड़का पैदा था, उनके बेटवा पैदा था। अब देवरानियों पेट से रही हैं, तो अब लड़किया के नाते जमन बाटे वो कुछ काम ही नहीं करे। देवरान बेचारी बहुत सीधी साधी, बहुत सरल स्वभाव की रही, पूरे दिन पूरा घर के काम वो संभाले। अब बूढ़ा कहाँ बहनी, ये कुछ करती ना जौन बात, तू ही दिन भर पूरा काम करत हूँ, अब मऊ बूढ़ पुरनिया है, कुछ कही ना पाई दुल्हन कहाँ अम्मा, कौनो बात ना आई ना, हमरे भगवान जानर का रूप दिए हैं। और ये बात सत्य है कि अगर आपके हाथ गोड़ कायम है तो केहू के लखा ना, अगर केहू के लखाते हैं तुम पाप में भागीदार होते हैं, जितना तुलसी हो सके अपने घर द्वार के काम बड़े छोटे की इज्जत जरूर करा, यह नियम है। लेकिन देखत देखत आदमी उबिया जाता, यह है घोर कलयुग, जो जितना झुकत है ओका आदमी उतने झुकावे कोशिश करत है। तो आप देखें ये कहानी में कैसे कैसे होता है। तो उनके बेटा अच्छा ठीक है, वो करत है रहते हैं, कुछ दिन बाद भाई देवरानी वो भगवान देहन, उन्हों को लड़किया भाई बेटवा दोनों जनी भैन। तो वो का काम करें, जब उनके घर जात वक्त पीसा जात रहा, तो का काम कहीं महीना दो महीना बीत कहीं, अब दुल्हन तू जात वक्त पीसा ना, कैसे आटा पीसान, कैसे खाना पीना हो ये घर दुआरे के। तो कहा ताई हैं कि ठीक बा, तो ऐसे खाना पीना बनवाई, वो जात पीस हैं। तो एक दिन का काम था, देवरानिया वो जात पीसत रही हैं, अब उनकर बेटवा उलरा सोवत रहा, जाग तो रोवई लिया, तो उठ के जाए लगी कहीं जाए दीदी भैया पियाए दी दूध, रोवत हैं कहीं नहीं, तू पीसे तू जात पीसे, हम जात आई तुम्हारे लड़के दूध पिया दे। तो गई बहनी इधर उधर कही कि एक दू चम्मच दूध पियाए गो का सोवाए दी, फिर महतारी दूध मयान भाई छोट बच्चा, फिर रोवई लिया, फिर उठे लागी। तो कहीं ऐसे दहाई दहाई उठी हैं, और चुप ना होए लावा एक एकदम मैं चुप कर आई गई, कहीं तुझे पीछे हम देख लेता ही। अब सीधी साधी मनाई, आज के जमाना खोती तो छोड़ उठ जाती ज्ञान, पहले अपन लड़के पिया ले तुम्हार जाँच पीसी चाहे ना पीसी, बूढ़ा ना आई रही तब तब गई रही, गई का काम की जेठनियाँ तकिया से बेटवा गटाई दही दबाई, और जब बेटवा गटाई दही दबाई बेटवा खत्म हो गया वहीं पे, सो गए ओका उढ़ाई ठकाए दी तकिया हटाए दी। ओकरे बाद देवरानिया जब फुर्सत में भाई जौन बा, तो जब देवरानिया फुर्सत में भाई पीस के निमुक गई, तब वो गई गई तो जब देखा तही है कि बेटवा उनकर है ये ना, बेटवा को रंग उठाए नहीं और रोवे लागी, कहीं ना हमार मन से धू परदेश गजब से लौटा, और ना तू हमका इज्जत दियो, अब हमारे है ये खिलाड़ी का सहारा रहा, इस सहारे हम तुम्हारे घरे में रहे बहिन, अब हम चली जाता ही बेटवा लेके निकल गए हैं। धीरे धीरे जाता ही जंगल पर, उन्हीं जब बैठी जंगले में उन्हीं लेके बेटवा कोरम रोवत ही, और रोवत ही तो अवसान माई बुढ़ापा का रूप धर के जौन बाई लागी पूछ है, कहीं ये मावा तुमसे का बताई बताए कौन फायदा ना जाए, हम कहो केहू तो अपन दुख कहित जाए, लेकिन बहुत विपत बीमारी ही मारा हम, जब पूछा तो कहीं ना ही बतावा, तो कहीं ऐसे ऐसे बात मावा, हम जात पीसत रहे हैं
और जब हम जात उनके मन में छल नहीं रहा, वो ये ना जान पाए कि मार जेठान जा। जब जात पीस के उठे तो हमका लागत हम दूध दूध ना पिए हमार भाई ये खत्म हो गए। हमार मन से दू परदेश गमावा लौटा ना हम घरे, अब कौन मुँह लेके जाई, चल कहीं ही हम जती सती हो जाए, कहीं ना ही कहीं जती सती हो जाए। जती सती जी वह फरुआ धारा बा, कहीं ठीक बा, कहीं कि खाना एक खानी अब खान के कहीं ही बेटा अपन गाड़ जाए और तोप दे तब तू जा घरे। कहीं हे मावा हमें न कही पाऊबई, हम इनका छोड़ के जा बना, यही हमारे जिंदगी का सहारा रहें, अब हम जौन बाटे है इनका करब न कुछ। कहीं ना ही जौन कहीं ओका तू करा, इनका के मुर्दा मनाई लेके बैठत ना है, ले जे गाड़ा इनका का करबो तू इनका लेके, तो कहीं हम कहीं तू कहीं उहू बताओ तो का पहले करा था जौन हम कहा था बूढ़ा माई भी पेड़ तरह बैठ गई पलथी आसन मार के फल हुआ लाए गुल खानी अब खान के जौन बा बेटवा वही तो दी माटी से। तब ओकरे बाद बूढ़ा कहीं इस बार ये बाबा हमारा के गोड़ मुर्दा बाबा तो सोच साझो रहा कहीं कभी केहू बात नहीं आता है कहीं ले आवा, इतना दिन के है जेठानी देवरानी के तो फल पाए ये तो बूढ़ पुरानिया ही जौन कहा इनका कही दे बूढ़ा गोड़ हाथ मीजी और बूढ़ा के मूड़ मीजी कुल की ही तो कहीं की पात धाई के ढाकू लड़के तब माटी चढ़ाऊ कहीं ठीक बमाओ। यही कहीं कि मीजे तहीं आँखी साँस गिरे तक हे विधना कमन कर्म नैहरे बनाए के वादर भाव करे वाला ससुरे मन से धू मार परदेश चला गा। अब ये ई हाल हो गई हमारे साथे, तब जब मीज के नमकी बूढ़ा के बूढ़ा ने जाए गए जब बूढ़ा की नींद टूटी कहीं जा देखा गढ़ावक लगा गढ़ावक कुछ हुआ जहाँ खोज के बेटा हुआ तो पे रहू गई देखी जब माटी पुली अगले बगले लड़के उनका ठेल ठेल लाते लाई कई देह रहा अब पात ओकरे पेटे धरा रहा खेलत बा उनकर बेटवा और जो खेलत बा उनकर बेटवा तो बूढ़ा कहीं अब तरह केका उठाए लिया अब लेके अब तू जा घरे। कहीं हे मावा तू के अहू हमें बतावा महारानी ये तो क्यों ना करत हम पूरी रहिए रोकते आए हमका क्यों बताए सुनाए कि ऐसे ना ऐसे कह लिया रहा। कहीं हम आई अवसान माई और तोर निर्छल काया तई निर्छल काया पीसत रहे तोर जेठान तोरे बेटवा गटाई दबाई मार दे एहनाते तोर दे तोर बेटवा तो अपनी आयु नाय मरा रहा लड़के जा तोर मन से धो आई जाए बड़ी दे सुखी रहे आशीर्वाद दी कहीं मावा तक कहीं तोर मन से धो आई जाए तई हमार चौदर से सात अठी जितना तोरे औसत रहे सुहागिन बुलाए के लाई चना गुड़ बतासा मीठा जो तोरे ईश्वर दे रही हैं ओका जौन बा मंगाए कि हमारे पास साथी आए। कहीं ठीक बा आई घर जेठनिया वो देखी दंग रह गए लागी पूछे कैसे भा कैसे पाऊ कैसे ना पाऊ का कि कैसे हो कुल पूरी कहानी बताई दी देखा वही कहानी दोहराओ तो बड़ा लंबा हो जाए। कहीं इस बा कि आज हम पीछे वक्त तू जौन बाटे हमार बेटवा लखू ठीक बा तो कहीं वो पीसे लागी जब वो रोबत देवरानिया जाए दूध पिया कोरम ले फिर वो लाट दें अब उनके कायम छल रहा ना ही ना वो अपने हाथी मारी उनकर बेटवाया तू नहीं आई कुछ काट लिए खत्म हो गए और ख़त्म हो गए जाँच छोड़ के निकली लागी देवरानी सुनाई ओकरे बाद बेटवा काने के लिए चल करी वहीं जंगले में वहीं पहुँची बूढ़ा माई फिर मिली कहीं किस बहनी तू कहीं मावा ऐसे ऐसे बात हमार देवरानी हमारे लड़के के वो तो एक ना ही कह रही लेकिन वो कहीं मार देवरानी हमारे लड़के को मार दे बूढ़ा कुछ जाना था ही भाई तो अंतरयामी यही कहीं ठीक बफरुआ उठावा खन के गाड़ा ओकरी बाद जा घरे फरुआ उठाए दी खन के गाड़े ले आई लड़किया कुल गाड़ दी तोप दी बूढ़ा मीजी बूढ़ा कहीं अब तू जा घरे कहीं मावा हमार तो देवन क्यों कहीं ये बच्चा तू गलती के है रहू तू पाप के है रहू तुहरे लड़के भगवान मारे हैं तुहार लड़के तोहर देवरान हाथ ना लगाएगा कि तुहार ना रहे अब तू जा घरे जो तुहरे घरे बा उसी प्रेम से इज्जत भाव से रहा रोवत गावत अपने घरे चली आई देवरानिया उस माफ़ी में आई हाथ गोड़ जोड़ी ओकरे बाद फिर देखा ही आए देवरान उनका अवसान माता कथा रखे पूरा गाँव जुटा पूरा कहानी सबके आगे कहीं ओकरे बाद दोनों जनी काजत रह लागी फिर जेठनी हो अवसान माई कोरा भर दी कहीं ये तो गलती ना करा गलती वही करा जौन अनजाने में हो जाए अगर जान बूझ गलती करता है ईश्वर ऊपर दुष्परिणाम जरूर देता है।
एक बार प्रेम से बोला अवसान माता की जय। यह कहानी से काफ़ी शिक्षा मिली, कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर अगर नया होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।